सोचिए क्या हो अगर कोई पति अपनी पत्नी का MMS बनाकर मालिक के साथ शारीरिक संबंध बनाने को ब्लैकमेल करे। सुनकर हैरानी हो रही होगी कि कोई भी पति ऐसा कैसे कह सकता है या कैसे कर सकता है, लेकिन यह आरोप एक पत्नी ने अपने पति पर लगाया है। दरअसल यह मामला रीवा जिले का है, जहां महिला ने अपने पति सहित ससुराल जनों पर गंभीर आरोप लगाया है। आपको बता दें, पीड़ित महिला ने पुलिस अधिकारियों से शिकायत की है और बताया कि उसके पति ने उसका अश्लील MMS बनाकर अपने दोस्तों और मालिक के साथ संबंध बनाने के लिए ब्लैकमेल करता है। पीड़ित महिला का कहना है कि उसके पति के साथ उसके ससुराल जन भी उसे परेशान करते हैं। फिलहाल पूरे मामले में FIR दर्ज कर ली गई है और पीड़िता के द्वारा लगाए गए सभी आरोपों की जांच की जा रही है। आइए सुनते हैं एडिशनल SP अनिल सोनकर को और पीड़ित महिला को पूरे मामले को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। आपके लिए ये खबर हमारे संवाददाता मनीष दाहिया ने लाई है। मेरा नाम स्वाति और आप देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। 30 नवंबर को मेरी सास और बेटे की लड़ाई हुई थी, तो सास ने लड़के को जहर दे दिया था, शिवेंद्र कुमार साकेत को जहर दे दिया। फिर संजय हॉस्पिटल में भर्ती किए थे, फिर वहाँ से मेंटल हॉस्पिटल के लिए बोल दिए थे, फिर वहाँ से वो भाग आया। 8 दिसंबर को हम भाग आए, तो वहाँ से वो भाग आया। फिर 9 दिसंबर को सुबह सुबह इसकी मम्मी पापा हमारा जेठ लगड़ा जेठ है, बड़कवा जेठ है, देवर है, और ये सारे मिल के मुझे मारे। जितना मेरा जेवर था मायके का, ससुर का, सब मेरी सास चुरा के ले गई। ससुर मेरा कोने में मुझे ले जा के बोलता था, तो हमारे साथ गलत कर अपनी बड़ी वाली पुतहू को मीना को रखा है। मुझे भी कह दिया कि तू भी पीछ कल हो, मैं नहीं होती। उसी मैटर में ये मारता है। 30 दिसंबर को जब मैं सबसे गुहार लगा रही थी, सेक्रेटरी सरपंच पटवारी बुलाया गया, गांव वालों बुलाया गया, लेकिन हमारे मम्मी पापा को नहीं बुलाया गया। मुझे पेटीकोट ब्लाउज में निकाले वहाँ बाहर, फिर गांव वाले के बीच में, सबके बीच में मुझे नंगी किया कि ये बैसिया है, फालतू फालतू इल्ज़ाम लगाया। मैं बोली अगर मैं हूँ तो मैं मम्मी पापा को बुला दो, मैं चली जाऊँ, तो फिर भी कोई नहीं बुलाया। मेरे फूफा ससुर दूधनाथ, वो मेरे मायके में फ़ोन लगाए। जब सब लोग घर चले गए तो मुझे अंदर ले गए, तो मुझे तेल डाल के जलाने वाले थे। अचानक मेरे मम्मी पापा आए तो चोरी लगाने लगे। अब 5 तारीख को मैं मायके से आई, 5 तारीख को मैं मायके से आई, दोपहर 2 बजे को घर में आई, तो ये लड़की बाजी किया था, रंडी लेके आया, तो मैं इससे पूछी कॉन्डम वगैरह पड़ा था कि ये कोई आया था, तो बोला हमारी मर्जी है, मैं कुछ भी करूँ, मैं कमाता हूँ, तू पैर की जूती है तो तू जूती जैसी रह। मैं बोली ठीक है अभी शांत हो जाओ। फिर बोला अपने दोस्तों को बुलाया, फिर अपने सर को बुलाया, कहता है बीरपाल सर थे, संतोष सर थे, शिव बहोर यादव था, लिपनिया का है शिबू यादव था, सोनू यादव था। एकदम नंगी वीडियो बनाए, MMS बनाए, बोले अगर तू मेरी बात न मानेगी, मेरे प्लांट वाले सर के साथ मैं सोएगी नहीं, धंधा नहीं करेगी, तो हमारी नौकरी चली जाएगी, तू धंधा करने के लिए मना कर देगी, तू मुझे मार डाल, लेकिन मैं धंधा नहीं करूँगी। उसी मैटर में मुझे मारता है, प्रताड़ित करता है, झूठ बोल बोल के राजीनामा कराया था। बोला राजी बाजी हो तो सारे जेवर दे देंगे, एक भी जेवर नहीं है, जो पहनी थी मेरी मम्मी दी थी, एक एक बिछिया दी थी, राजी बाजी के बाद ये नहीं ला कर दिया, वो भी आज 6 तारीख को, 6/7/2023 को 2 बजे उतार लिया, पूरे जेवर उतार लिया मेरे, रख लिया। मुझे कहता है रंडी तो कहीं ना जा, मैं बांका रखा था काटने के लिए, कोई इसके आया है तो मैं धक्का दे के वहाँ से भागी हूँ, मुझे निकलने नहीं दे रहा था। क्या नाम है आपके पति? मेरे पति का नाम शिवेंद्र कुमार साकेत पहाड़िया है, ससुर का नाम रामाधार साकेत है, सास का नाम छोटी साकेत है। धमकी देता है अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं तुम्हारी वीडियो जितनी भी है जितने बनाया है वो तो मैं सारी वायरल कर दूंगी, ना तो गली की रहेगी, ना घाट की, ना तू कभी पढ़ सकेगी, तुझे सिर्फ मिलेगी तो मौत मिलेगी। इतनी गंदी गंदी धमकी देता है, प्लस मारता भी है। उसकी मम्मी कहती है कि कहते हैं बुरचौदी का निकाल दे, हम तो दूसरा काज कर ले, तो कहता है कि हम हतारी बाप का देते दूसरा काज कर ले तो छोड़ दे, तो नहीं छोड़ते, मैं इसे दो काम मारी थे तो नहीं छोड़ते, तो चल धंधा कर, हमारा बिजनेस आगे बढ़ा, मैं नहीं जाती धंधा करने, इसलिए वो मारता है मुझे। बाद के कल मारा है, कल रात को मारा है मुझे, करीबन 11:30 बजे मारा, आज दोपहर को, आज सुबह ही मारा है, 9 बजे से मारा है। मारे थे तो और कौन कौन था? बीरपाल सर थे, शिबू यादव था,
अस्सी बहोर यादव थलीपनिया का, सोनू था, ब्रिजेश था, लड़के लड़किन थे, छह लोग थे मेरे कमरे में। ये सब लोग मिल के हमारा हाथ पैर बांधे, सबके बीच में मेरे सारे कपड़े उतारे, तब जाके वीडियो बनाया। कहता है हम गलत किए हैं तो किया तू पंचे करो, वो कोस पूछो ना करी, हम वीडियो बना लिए हैं। कल एक महिला ने अपनी माँ के साथ में आके एक रिपोर्ट किया था कि उसका पति उसे मारपीट करता है और ये कहता है कि जो जहाँ वो काम करता है वहाँ उसके अधिकारियों के साथ संबंध बनाए, ऐसा उनका आरोप था। और उसने उनकी कुछ आपत्तिजनक फ़ोटो भी निकाला है, उससे वो ब्लैकमेल करना चाहता है। इस शिकायत पर थाना विश्वविद्यालय ने 294-323-506 भी का मुकदमा कायम किया था और जो मोबाइल बताया गया था वो मोबाइल उसके पास था नहीं। अभी प्रकरण की विवेचना की जा रही है, यदि कुछ इस तरह का मामला या एविडेंस साक्ष्य में आते हैं तो उन धाराओं पे भी बढ़ाई जा कर के कार्रवाई की जाएगी। अभी उसको 151 में प्लस जो आईपीसी की धाराओं में प्रकरण पंजीकृत कर किया गया है, वर्तमान में विवेचना जारी है। मोबाइल अभी तक मिला नहीं है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उसने वीडियो बनाया है, और वीडियो अभी उपलब्ध भी नहीं हो पाए हैं। जांच विवेचना के दौरान यदि पाया जाता है तो धाराएं बढ़ाई जाके कार्रवाई की जाएगी।